ओके सो टुडे द पर्पस ऑफ टुडेज मीटिंग इज नथिंग बट व्हाट आर दोज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डूज एंड डोंट्स फॉर द जीपैट 2021. यू नो दैट जीपैट इज शेड्यूल्ड ऑन योर 27th ऑफ फेब्रुवरी. सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. यू मस्ट टेक केयर अबाउट दीज डूज एंड डोंट्स बिकॉज यू आर गोइंग टू अपियर फॉर द एग्जाम. ओके सो GPAT is scheduled on 27th February and you should know what is the pattern of GPAT, what are the number of questions, what are the number of different sections. Okay, so your subject wise weightage, total number of questions will be there, 125 MCQs will be there for the exam, okay, which will cover your 500 marks. So maximum marks will be 500. So your GPAT paper is divided into 5 sections. Your NTA has divided GPAT paper in 5 sections. So first section will be your chemistry, pharmaceutical chemistry. So out of in this section they will ask you around 38 MCQs. Okay, so 38 MCQs will be there from pharmaceutical chemistry section and it will cover your 152 marks. Again Sutics from pharmaceutics part there will be again 38 MCQs and it will also cover your 152 marks. And third section will be your pharmacology. From that they are going to ask 28 MCQ and it will cover your 112 marks. Okay, then fourth section will be your pharmacognosy, that will cover your 40 marks. They are going to ask 10 questions from pharmacognosy. You must be aware about these sections. Okay, then last section is your other subject. They are going to ask 11 questions from other subject. Okay, so pharmaceutical chemistry will cover your 152 marks. Then Sotics will cover your 152 marks. Again pharmacology will cover your 112 marks. Pharmacognosy will cover your 10 marks. Okay, other subjects will cover your 44 marks. Okay, so you must be clear this this picture of total number of sections and number of respective MCQs. The picture of this should be clear in your mind. आपको ये पता होना चाहिए कि किसको किस सेक्शन में से आपको कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं. आप क्लियर होने चाहिए इसके बारे में ताकि आप पेपर इफेक्टिवली सॉल्व कर सके. ठीक है, तो इसके बाद में देख लेते हैं अपन व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. ठीक है, सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर द जीपैट 21 एग्जाम्स. सो व्हाट आर डूज एंड डोंट्स. सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज चेक यूर हॉल टिकट. देर आर 4 पेजेस पीडीएफ दे हैव गिवन. ओके, सो योर हॉल टिकट कंसिस्ट ऑफ 4 पेजेस. So you have to take printout of all pages. You have to take a printout of all pages, and again your identity card should be ready. That means at the time of when you have applied for GPAT, at the time whatever identity card you have mentioned, whether you have mentioned Aadhaar card or you have mentioned election card or driving license. ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, रेडी होने चाहिए एग्जाम के पहले. ठीक है, कि आपके पास पूरा हॉल टिकट का जो 4 पेजेस का हॉल टिकट है वो पूरा के पूरा प्रिंट आउट कर लो. उसके बाद में जो भी आइडेंटिटी कार्ड मांगा है उन्होंने वो आइडेंटिटी कार्ड ले लो. ठीक है, जो आपने अप्लाई करते समय उनको बोला है कि मैं ये लेके आऊंगा. ठीक है, तो वो आइडेंटिटी कार्ड लेना है आपको. ठीक है, तो दूसरा क्या है, सो व्हाट एवर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक रिजर्वेशन, इफ यू आर क्लेमिंग एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, इफ यू आर क्लेमिंग रिजर्वेशन फॉर कैटेगरी और इफ यू आर क्लेमिंग रिजर्वेशन फॉर हैंडीकैप, सो द सेम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, द सेम सर्टिफिकेट शुड बी विथ यू. ओके, सो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है. और आपको आपका जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंटआउट लेना है. उसके बाद आपका जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर इलेक्शन कार्ड हो गया, जैसे TC हो गया, ये सब आपको लेना पड़ेगा साथ में. ठीक है, उसके बाद में अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो या फिर हैंडीकैप से अप्लाई कर रहे हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको, उसका एटलीस्ट जेरोक्स तो भी चाहिए ना, एक बन जेरोक्स ऑफ दैट. ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लेना पड़ेगा आपको. तो उसके बाद में क्या करना है, एंड क्या होता है, जस्ट रिलैक्स एंड डू नॉट स्टडी द डे बिफोर एग्जाम, जस्ट सॉल्व वन मॉक टेस्ट. ओके, सो जस्ट रिलैक्स एंड डू नॉट स्टडी बिफोर वन डे ऑफ एग्जाम, जस्ट सॉल्व वन मॉक टेस्ट. सो जनरली क्या होता है, व्हाट हैपेंस नॉर्मली, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे यूज टू स्टडी द डे बिफोर एग्जाम एंड दे यूज टू स्टडी फुल डे द डे बिफोर एग्जाम. एंड व्हाट हैपेंस, दे यूज टू गेट सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन एंड दे विल नॉट इफेक्टिवली सॉल्व द पेपर. सो दैट्स व्हाई जस्ट रिलैक्स, डू नॉट स्टडी बिफोर द डे ऑफ एग्जाम एंड
ट्राई टू सॉल्व जस्ट ओनली वन मॉक टेस्ट, कि आपको क्या करना है कि एग्जाम के पहले दिन आपको पढ़ना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है, जस्ट सब छोड़ दो, रिलैक्स बैठो और जस्ट जस्ट टाइम पास के लिए एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा टेंशन ना आ जाए। और एक मॉक टेस्ट क्यों देना है आपको, ताकि आपको एक प्रैक्टिस होने के लिए, इट इज जस्ट जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस, कि आपका प्रैक्टिस हो जाए एक टेस्ट का, तो इसलिए एक मॉक टेस्ट देना है। एग्जाम के पहले दिन आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं, क्योंकि अगर आपने पढ़ा ही नहीं कुछ, अगर कुछ लोग पूछेंगे मुझे सर एग्जाम के पहले दिन पढ़ना नहीं, फिर कैसे चलेगा, अरे यार आपने साल भर कुछ नहीं किया तो आप एक दिन में पढ़ के क्या कर लोगे, ठीक है। तो मेरा तो एक कहना है कि ज्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ, एग्जाम के पहले दिन एक आधा टेस्ट दे दो आप, ताकि यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ, और ज्यादा टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स, ओके। अगेन क्या है, डू नॉट स्टडी लेट नाइट द डे बिफोर एग्जाम। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कि एग्जाम कल है, इसकी वजह से बहुत सारा आज को ही पढ़ेंगे, एग्जाम की पूरी फुल नाइट मारते, मतलब फुल नाइट स्टडी करेंगे, तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप पूरा नाइट स्टडी करेंगे, इफ यू आर स्टडिंग होल नाइट द डे बिफोर एग्जाम, देन वेन एवर टुमारो यू विल बी इन द एग्जाम हॉल, यू विल गेट ड्राउजी, यू विल गेट कन्फ्यूजन एंड यू विल नॉट फील वेल, ओके। अगर आप पूरे रात भर पढ़ाई करोगे और एग्जाम में जाओगे, तो आपको थोड़ी सी नींद आ जाएगी और वो कन्फ्यूजन में होंगे आप, तो अच्छा है कि एग्जाम के पहले आपको अच्छे से नींद आनी चाहिए। सो एग्जाम के पहले रात को आपको पढ़ना ही नहीं है, मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। अगर टेस्ट देना चाहो एक आधा घंटा तो दे सकते हो, अदरवाइज जस्ट लीव इट, ठीक है। एग्जाम के अगले पहले रात को आपको पढ़ना ही नहीं, ओके। सो डू नॉट स्टडी द लेट नाइट एट द डे बिफोर एग्जाम। सो डू नॉट स्टडी द लेट नाइट एट द लेट नाइट इन द बिफोर द डे बिफोर एग्जाम, ओके। सो डू नॉट स्टडी लेट नाइट द डे बिफोर एग्जाम, दैट इज दैट क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, और सो यू जस्ट बी ए कॉन्फिडेंट एंड रीच द एग्जाम हॉल विद इन टाइम, ओके। जस्ट बी ए कॉन्फिडेंट, कि आपके मन में आप ये मान लो कि नहीं यार आई एम गोइंग टू क्वालिफाई, ओके, मैंने साल भर पढ़ाई की है, या फिर दो महीने जो भी है, दो के दो महीने या तीन महीने या चार महीने या पूरा साल जो भी पढ़ा है आपने, तो आप में एक थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, कि आप में थोड़ा सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार नहीं यार मैं करूंगा, ठीक है। प्लानिंग क्या करना है आपको, बस मैं बोलता हूँ बाद में, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड रीच द एग्जाम हॉल विद इन टाइम, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड है, तो मे बी वहाँ पे भीड़ भाड़ का जगह है, मे बी देर विल बी अ क्राउड, ओके, एट द एग्जाम सेंटर, सो इट विल टेक टाइम टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग टू सॉर्ट आउट ईच एंड एवरीथिंग, इट विल टेक टाइम, सो बी कॉन्फिडेंट एंड रीच द एग्जाम हॉल विद इन टाइम, ठीक है। तो एग्जाम हॉल पे टाइम पे पहुंचना है आपको, इसका मतलब ये नहीं कि यार सुबह उठो भरपेट खाना खाओ और जाओ, अगर भरपेट खाना खाओगे आप, इफ यू ईट फुल अप योर स्टमक देन यू विल गेट ड्राउजी, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले बहुत खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना है, लाइटली जस्ट नाश्ता टाइप करना है आपको, थोड़ा सा नाश्ता करो, खाना खाओ थोड़ा सा और एग्जाम में जाओ, ठीक है। अगर ज्यादा खाना खाओगे तो फिर अगेन क्या होगा, आपका थोड़ा सा ड्राउजी होगी, जब क्योंकि कैसा रहता है, जब खाना खाओगे ज्यादा तो सबका ब्लड सप्लाई आपका वो स्टमक एरिया में होता है, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन करना होता है, तो ब्रेन में आपका ब्लड कम जाता है, ऑब्वियसली अगर ज्यादा खाना खाओगे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। सो जस्ट लाइटली थोड़ा सा नाश्ता कर लो, इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ खा के मत जाओ, ठीक है। तो खा के जाना है आपको, थोड़ा सा नाश्ता करना है, ज्यादा खाना नहीं, ओके। जस्ट बी नॉर्मल, डोंट बी एक्साइटेड और नर्वस। जब भी आप एग्जाम के पहले दिन एग्जाम में जाओगे, एग्जाम सेंटर में जाओगे, सो जस्ट बी अ नॉर्मल, कि आज मेरा एग्जाम है, बहुत टेंशन है यार, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा नहीं होगा, पेपर अच्छा होगा हार्ड होगा, ये सब फालतू चीजें है, इसके बारे में कुछ सोचे ही मत, आप जस्ट नॉर्मल रहो और वहां पे जाओ, क्या होने वाला है, मरने वाले थोड़ी आप, अगर नहीं भी क्वालिफाई होगा तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपने स्टडी किया है तो आप क्वालिफाई होंगे ही होंगे, जस्ट आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, प्रॉपर स्टडी की है, आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है ये डिसाइड करके गए आप, ठीक है, तो आप क्वालिफाई होने वाले। सो आपके हाथ में क्या है, व्हाट इज इन योर हैंड, व्हाट आर द दोज थिंग्स इन योर हैंड, सो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू गो इन द एग्जाम, यू हैव टू एग्जीक्यूट योर प्लान अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर प्लान। सो कर्म करते जाओ, फल के बारे में डोंट वरी, ठीक है। आप जो होगा रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, आप अभी क्या है, आपको करना क्या है आपको, तो वो देखिए, रिजल्ट के बारे में सोचिए मत। सो जस्ट बी अ नॉर्मल, डोंट बी एक्साइटेड
और नर्वस, ये नॉर्मली होता है कि बच्चों में होता है ऐसा, मैं एग्जाम है मेरा और मैं कैसे होगा मेरा, पर्टिकुलरली गर्ल्स, लड़कियों में तो बहुत होता है मेरा एग्जाम है और मैं क्या करूंगी अभी, मेरा तो स्टडी नहीं हुआ। क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों थक रहे हो? ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, जस्ट बी नॉर्मल, डोंट बी एक्साइटेड एंड नर्वस। ये एक्साइटेशन, नर्वसनेस नहीं होना चाहिए, एनजाइटी नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। ये फ्रेश माइंड से एग्जाम में जाओ। ठीक है, तो हाँ, सबसे मेन चीज़ ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन जीपैट 2021, कि बहुत सारे बच्चे के, एवरी स्टूडेंट हैज दिस डाउट इन देयर माइंड दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ एमसीक्यूज ही हैज टू अटेंड इन द जीपैट 2021। ओके, सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट। सो इफ यू वॉन्ट टू जस्ट क्वालिफाई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट डिसाइड व्हाट यू वॉन्ट, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर एग्जाम, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एग्जाम, कि आपको क्या चाहिए एग्जाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, या क्वालिफाई करना है, अच्छा रैंक भी चाहिए, या फिर बहुत ही अच्छा रैंक चाहिए, मतलब टॉप ही करना है जैसे। ओके, सो इफ यू जस्ट वॉन्ट टू क्वालिफाई, जस्ट ट्राई टू अटेंड 50 to 65 MCQs विथ एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। ओके, सो ये नोट डाउन कर लो आप, 50 to 65 दोज यू हैव टू अटेंड दोज MCQs ओनली। ओके, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू क्वालिफाई, जस्ट गो इन द एग्जाम, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट सम इजी क्वेश्चन एंड डू नॉट क्रॉस 65 क्वेश्चन। ओके, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू क्वालिफाई, सो ट्राई टू मेंटेन द एक्यूरेसी, इससे कम भी कर सकते हो लेकिन 50 क्वेश्चन से कम मत अटेम्प्ट करो। ओके, सो एटलीस्ट यू हैव टू अटेंड 50 क्वेश्चन। ओके, सो इफ यू जस्ट वॉन्ट टू क्वालिफाई, जस्ट गो देयर इन एग्जाम एंड अटेंड 50 to 65 इजी क्वेश्चन दैट दो यू थिंक दैट दो क्वेश्चन आर इजी। ओके, एंड ट्राई टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस इन व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, अगर उसमें कॉन्फिडेंस है आपको कि ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट है, ठीक है, और एक्यूरेसी है, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। सपोज आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड आउट ऑफ दैट 50 आर करेक्ट, देन यू आर गोइंग टू क्वालिफाई, यू आर इन द सेफ विंडो। ठीक है, तो ज्यादा कुछ सोचिए मत, 50 to 65 क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट कीजिए, करेक्ट एक्यूरेसी रखिए, उसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, सेकेंड, एंड अगर आपको लगता है इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाई विद गुड रैंक, देन यू हैव टू अटेंड अराउंड 65 to 80 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको अच्छा ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा रैंक काफ़ी अच्छा आना चाहिए, मे बी 200 to 300 आना चाहिए, ठीक है, तो उस समय में क्या करना है आपको, आपको अटेम्प्ट करना है 65 to 80 क्वेश्चन। ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाई विद गुड रैंक, देन यू हैव टू अटेंड 65 to 80 MCQs आउट ऑफ 125। ओके, सो ट्राई टू मेंटेन अगेन हेयर एक्यूरेसी एंड अटेंड दोज क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस, अगर आप श्योर हो तो उसमें करो। ओके, अगर पेपर हार्ड आता है, अगर इफ पेपर इज अ लिटिल बिट हार्ड, देन यू कैन डिक्रीज द नंबर ऑफ MCQs टू बी अटेम्प्टेड, यू कैन डिक्रीज बाय 5, दैट्स इट। ओके, अगेन इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाई विथ टॉप 25 रैंक, ओके, अगर आपने बहुत अच्छा स्टडी किया, इफ यू स्टडीड वेरी वेल, इफ यू स्टडीड फ्रॉम राइट फ्रॉम बिगिनिंग एंड यू आर थिंकिंग दैट यू विल गेट अराउंड 50 रैंक, अराउंड 25 रैंक, अराउंड टॉप 10 रैंक, देन यू मस्ट अटेंड एटलीस्ट 90 to 100 क्वेश्चन। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत स्टडी किया है और आपको क्योंकि आपको ही मालूम है ना आपने क्या स्टडी किया है ना, क्योंकि आपका स्टडी आपको मालूम है, आपने कितनी देर स्टडी किया है, आपका बेसिक कितना क्लियर है, कंसेप्ट कितना क्लियर है, आपका मेमोरी कितना अच्छा है, ठीक है, आप कितने इससे जल्दी समझते हो, वो तो आपको ही मालूम है, मुझे तो मालूम नहीं है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से आपको करना क्या है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू क्वालिफाई विथ टॉप 25 रैंक, देन यू हैव टू अटेंड 90 to 100 MCQs, ओके, विथ एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 50 या 65 तक MCQs अटेम्प्ट करो, उसमें से करेक्टनेस ऑफ आंसर ज्यादा होना चाहिए, आप क्वालिफाई हो जाओगे अच्छे से। ठीक है, आपको लगता है कि थोड़ा सा रैंक चाहिए आपको, तो 65-80 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस है आपको, आपके स्टडी के ऊपर आपको भरोसा है कि यार मैंने स्टडी बहुत किया है और क्वेश्चन का पेपर लेवल कैसा है, अगर इजी है लेवल, तो थोड़ा सा 5-10 MCQ ज़्यादा कर सकते हो, अगर लेवल हार्ड है MCQ का तो कम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अगर लगता है कि यार नहीं मैंने बहुत अच्छा स्टडी किया है और मुझे टॉप 20 में टॉप 25 या उसमें आना है रैंक में, सो यू हैव टू अटेंड 90 to 100 क्वेश्चन। ओके, अगेन हियर यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी, सपोज दैट यू हैव अटेम्प्टेड 70 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ दैट 60 क्वेश्चन आर करेक्ट, सो योर मार्क्स आर 2
240. So that is very good marks. And 240 minus 10, that is 230. So you will qualify with good rank, obviously. You will qualify with good rank. Your rank will be around 400, 300. Okay? So target the easy MCQs. Target the specific MCQs. Those which are very easy. Okay? उसके ही MCQs को टारगेट करो. ठीक है, आप देखेंगे अपन स्पेशल ट्रिक्स टू सॉल्व द MCQs. व्हाट आर द स्पेशल ट्रिक्स टू सॉल्व द MCQs? सो फर्स्ट पॉइंट, ट्राई टू आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चंस. ट्राई टू आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम. सो इफ यू आर श्योर दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड देन ओनली सॉल्व. ओके, सो ट्राई टू आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम. आउट ऑफ 125 you can easily find there will be around 30-35 MCQs which are very easy to answer. Okay, so try to solve those questions first. Okay, first of all, read the question carefully, understand it first, and then answer. So ye bahut important, this point is very important. First of all, you have to read the question carefully and understand it and first and then answer, because NTA pattern is different. Whatever mock test you are giving over here, whatever the platform, doesn't matter. Matter नहीं करता कि मेरा mock test है या फिर किसी और का है या फिर कोई classes का है, कोई matter नहीं करता. क्योंकि कैसा आता है boss, GPAT का, NTA का जो pattern है, उनका जो paper का level है, वो paper का level किसी में भी होता नहीं है. ये सब classes वगैरह जो mock test लेने वाले, एक उनके हिसाब से mock test बनाते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, वो के wrong है ऐसा भी नहीं है, सब सही है. लेकिन जैसा लेवल आपका NTA का वेबसाइट, NTA का पैटर्न का होगा, उसका लेवल का एक ही मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा आपने अभी तक. ठीक है, जो भी मॉक टेस्ट, इवन मेरा भी नहीं है, तो मैंने तो थोड़ा सा ट्राई किया है कि उनके जैसे मॉक टेस्ट बनने का, लेकिन उतना लेवल का मॉक टेस्ट हुआ ही नहीं. अगर आपको मॉक टेस्ट में 200 प्लस मिल रहे हैं, किसी मॉक टेस्ट में 200 प्लस मार्क्स मिल रहे, तो ठीक है, आपका स्कोर थोड़ा सा अच्छा आएगा फाइनल एग्जाम में. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड इट फर्स्ट एंड देन ट्राई टू आंसर. ओके, सो इन द मोस्ट ऑफ केसेस, इफ यू आर एमसीक्यू कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन लाइक ऑल ऑफ द अबव, अगर आपके एमसीक्यू है आपके सामने कोई और उसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर है, अगर आपको लगता है कि यार इसमें से दो ऑप्शन तो करेक्ट है. ओके, अगर दो ऑप्शन करेक्ट है और उसमें ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है, तो बिंदास उसको ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करो. ओके, सो इन द मोस्ट ऑफ केसेस, इफ यू आर एमसीक्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन एंड इफ यू थिंक टू ऑप्शंस आर करेक्ट एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, देन बाय जस्ट क्लिक ऑन द ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, बिकॉज दिस हैपन्स इन द मोस्ट ऑफ द केसेस. ओके, लेकिन ये भी नहीं है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, मतलब ये 100% होगा. लेकिन अगर आपको आंसर मालूम नहीं है और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है उसमें, तो यू कैन टेक अ रिस्क, उसमें वो रिस्क ले सकते हो. ओके, सो उस टाइम आप ऑल ऑफ द अबव पे आंसर पे क्लिक करो एंड सपोज दैट इफ योर एमसीक्यू, इफ यू हैव वन एमसीक्यू एंड यू आर कंफ्यूज्ड इन द ऑप्शंस, टू ऑप्शंस, सो यू हैव एलिमिनेटेड टू ऑप्शंस, आपको मालूम है कि ऑप्शन, ये दो ऑप्शन आंसर नहीं है, ये दो ऑप्शन में से आंसर है. ठीक है, तो उसको क्या करो, फिर से एक बार रीड करो. सो इफ यू थिंक एमसीक्यू, इफ यू थिंक, इफ यू आर, if you are having MCQ and you are confused in the two options, then in that case what you have to read the question again. Okay, and think, and you have to think again on the question, you have to think little bit, and then you can eliminate one option. ki ye iske answer nahi hone ke chances kitne hai ye dekho, aur iske answer hone ke chances kitne hai ye dekho, jiske zyada nahi answer hone ke chances hai usko eliminate kar do, और जो बचा है वो आपका आंसर है. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा है ट्रिक. एक्चुअली आई डोंट बिलीव ऑन द ट्रिक्स मच, बट स्टिल जिन्होंने स्टडी नहीं किया है, ज्यादा कुछ स्टडी नहीं हो चुका है उनका, तो उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, थोड़े से लेवल तक हेल्प कर सकता है, थोड़े से एक्सटेंट में. इट विल हेल्प यू टू द सम एक्सटेंट, नॉट एट ऑल. तो यू शुड नॉट रिलाय ऑन दिस थिंग एट ऑल, कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यही करो, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो बहुत सारे क्लासेस ने आपको बोला होगा कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम ए आंसर होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बी आंसर होगा, यार वो क्या भगवान थोड़ी है, क्या वो पेपर सेटर है क्या? नहीं. ठीक है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो, तुक्का लगाने के चक्कर में मत पड़ो. हाँ, लेकिन ये यहाँ पे साइंटिफिकली है कि अगर आपका
क्वेश्चन में आपको लगता है ये दोनों भी आंसर हो सकते हैं और उस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है, उस टाइम पे 90% चांस होता है आपका कि आंसर करेक्ट हो, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उस टाइप पे आप थोड़ा सा साइंटिफिकली कर सकते हो, ठीक है। और आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो, हाउ 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 यू हैव टू फॉलो एलिमिनेशन मेथड, सो रीड द क्वेश्चन एंड रीड द ऑप्शन एंड एलिमिनेट वन वन बाय वन, एलिमिनेट द ऑप्शन वन बाय वन, ठीक है। एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करो कि अगर आपको लगता है यार ये हो ही नहीं सकता, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, सो एलिमिनेट दैट। बचा तीन, तीन में से कौन सा एलिमिनेट करना है, बाप थोड़ा सा पढ़ लो उसको, एमसीक्यू को थिंक करो, फिर से एलिमिनेट करो, जो बचेगा बचेगा वही तो आंसर होगा आपका, ठीक है। ओके, सो इन केस ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यू कैन गेस द आंसर, यू कैन गेस द आंसर, जस्ट ट्राई टू मैच द यूनिट मेंशन इन द क्वेश्चन एंड ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई आपको न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम आ गया है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे जो यूनिट्स यूनिट्स होता है, यूनिट्स जैसे आपका डाइंस पर सेकंड या फिर किलोग्राम स्पीड, जैसे आपका लाइट का स्पीड हो गया, तो वो जो यूनिट्स होता है वो यूनिट सेम टू सेम यूनिट्स आपके ऑप्शन के साथ मैच करो। उसमें आपको दो दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि सेम यूनिट्स है उसमें, ठीक है, तो वो दो ऑप्शन में से ही आंसर है, ठीक है। तो बाकी का दो तो एलिमिनेट हो गया, तो अभी जो दो ऑप्शन बचा है उसमें से कौन सा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपने फोकस करेंगे तो आपको इजीली आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक ऑप्शन ये होता है इसमें कि आप आंसर को ही क्वेश्चन में डाल दो, ठीक है, कि आंसर को ही आप फॉर्मूला में चेक करो कि ये ऑप्शन, ये आंसर डालने के बाद क्वेश्चन बनता है क्या, ये ऑप्शन डालने के बाद क्वेश्चन बनता है क्या, मतलब रिवर्स टेक्निक बोलते हैं उसको। जैसे आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला डाल के आप रिजल्ट निकालोगे और चेक करोगे कि इसमें से कौन सा है, तो उसके बदले एक एक ऑप्शन को ही आपके रिजल्ट में डालो तो क्वेश्चन करेक्ट आता है क्या, ये देखो, मतलब एक तो आप आंसर करेक्ट है कि नहीं ये देखो, या फिर क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं ये देखो, मतलब टू एंड फोर, रिवर्स और डायरेक्ट, ये दो मेथड होते हैं, तो वो भी चेक कर सकते हो। अगर नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, वैसे भी प्रॉब्लम्स जो कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम्स थे वो आपको ज़्यादा सॉल्व करना ही नहीं, सो यू डोंट हैव टू सॉल्व मच प्रॉब्लम्स और मच मच क्वेश्चंस दोज इनवर्स ए कैलकुलेशंस, ओके, जस्ट लीव इट। देन इन द नेक्स्ट, वेन एवर यू बिलीव यू विल बी इन द एग्जाम हॉल, आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओगे तो पहले क्या करना है, वेन एवर यू विल बी इन द एग्जाम हॉल यू हैव टू डू टू थिंग्स, इन द फर्स्ट हाफ आवर, इन द फर्स्ट हाफ आवर ट्राई टू सॉल्व इजी क्वेश्चंस, ओके, फर्स्ट राउंड में आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेढ़ घंटे में पहले सब इजी क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करना है और बाद में उसको एक 10 मिनट में काउंट करना है कितना हुआ, ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ है। देन जो बचा हुआ हाफ आवर है, देन व्हाट एवर द रेस्ट ऑफ हाफ आवर इज देयर रिमेनिंग, सो यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन इन दैट हाफ आवर, वन एंड हाफ आवर, दोज आर लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, जिसमें आपको ए और बी में कन्फ्यूज हो रहा है या फिर सी और डी में कन्फ्यूज हो रहा है, उस टाइप के दो ऑप्शन में अगर कन्फ्यूज हो रहा है तो वो डेढ़ घंटे में सॉल्व करो। पहले डेढ़ घंटे, पहले दो डेढ़ या दो घंटे में आपको क्या करना है, जिसमें आप 100% श्योर हो वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको काउंट याद रखना है कि कितने क्वेश्चन काउंट किए मैंने, ये डिसाइड करके जाओ कि आपको इस रेंज में ही आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बोला है आपको कि क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 50 या 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर क्वालिफाई करना है अच्छे से रेंज से लगता है आपके, अगेन दिस डिपेंड्स ऑन योर स्टडी, ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टडी कितना है, आपका मेमोरी पावर कितना है, आपने कितनी डीपली स्टडी किया है, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, आपने कितना रिवीजन किया है, अगेन उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रैंक चाहिए अच्छा तो 65-80 क्वेश्चन जाओ, अगर बहुत ही अच्छा रैंक चाहिए तो 90 टू 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो, ठीक है, विथ एक्यूरेसी, उसमें से एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से एटलीस्ट 90% करेक्ट होने चाहिए आपके, ठीक है। और दूसरी एक बात बोलना चाहूंगा कि सी यू हैव 1/4 निगेटिव मार्किंग इन योर पेपर, 0.25%, ओके, सो 1/4 निगेटिव मार्किंग, सो यू कैन टेक रिस्क ऑफ अटेम्प्टिंग 10 मोर क्वेश्चन। अगर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको लगता है यार नहीं बहुत ही कम हो गए, तो 10 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मत लो,
ठीक है, 10 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं है, 0.25%, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग है, मतलब एक अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया आपका तो एक ही मार्क जाएगा 4 में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो, लेकिन ज्यादा रिस्क मत लो। ओके, सो डोंट टेक मच रिस्क मोर देन 10 क्वेश्चन। यू कैन टेक रिस्क ऑफ 10 क्वेश्चन बिकॉज यू नो यूर निगेटिव मार्किंग इज ओनली 1/4, 0.25%। सो यू कैन टेक अबाउट द रिस्क ऑफ 10 क्वेश्चन, बट डोंट अटेंड टू मच क्वेश्चन। इट्स माई रिक्वेस्ट, डोंट अटेंड टू मच क्वेश्चन। जितना बोला है मैंने, जितना बोला है उतने क्वेश्चन अटेंड करो, ज्यादा क्वेश्चन अटेंड मत करो। ये आपके दिमाग में, यू शुड फिट दिस फॉर्मूला इन योर माइंड, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग जस्ट क्वालिफिकेशन, जस्ट गो एंड अटेंड 50 to 65 questions। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग गुड रैंक, देन गो एंड अटेंड 65-80 questions। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग और इफ यू आर सीइंग योर सेल्फ इन द टॉप 25 rankers, देन जस्ट गो एंड अटेंड 90 to 100 questions। ओके, सो यू सी, फॉर क्वालिफाइंग द जीपेड एग्जाम यू नीड ओनली 50% ऑफ योर पेपर। ओके, ओनली 50%, लेस देन 50% आई वुड लाइक टू, लेस देन 50%। अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है कि आउट ऑफ 125 MCQs आपको हाफ पेपर भी आता है, अगर आपको 50% भी पेपर का क्वेश्चन, क्वेश्चन का पेपर मतलब पेपर का क्वेश्चन आता है, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेस देन 50% इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन। इफ यू आर एबल टू अटेंड लेस देन 50% क्वेश्चन एक्यूरेटली आउट ऑफ 125 questions, यू विल क्वालिफाई। ठीक है, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। अगर आप आधे पेपर में ही क्वालिफाई हो सकते हो तो पूरा पेपर सॉल्व क्यों करने का है, अगर आपका स्टडी नहीं हुआ है तो। हाँ, अगर ऑब्वियसली आपने स्टडी किया है प्रॉपरली तो आप जा सकते हो ज्यादा क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 80 questions के तक जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पे अगर 80 out of 80 भी करेक्ट आता है आपका, तो आपका रैंक टॉप 10 में आ जाएगा, तो काय को सॉल्व करने का 90-100। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ये सब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये एक थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको दिया है। ठीक है, सो आई हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एमसीक्यूज टू बी अटेम्प्टेड डिपेंडिंग अपॉन योर एम, एंड इट इज टोटली एज पर माई एक्सपीरियंस, इट इज नॉट ऑफिशियल, एंड यू हैव टू डिसाइड हाउ मच एमसीक्यूज यू हैव टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन, यू हैव टू डिसाइड योर गोल एंड देन यू हैव टू डिसाइड नंबर ऑफ एमसीक्यूज टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है, और बस इतना ही है। और ये एक है कि यू हैव 1/4 नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन टेक रिस्क ऑफ नॉट मोर देन 10 MCQs। ठीक है, सो यू कैन टेक अ रिस्क, बट हाउ मेनी नंबर ऑफ एमसीक्यूज, ओनली 10। यू कैन टेक अ रिस्क ऑफ 10 MCQs ओनली। ओके, एंड ट्राई टू अटेंड दोज क्वेश्चंस व्हिच आर श्योर, द आंसर ऑफ व्हिच यू आर श्योर। ओके, आपको अगर श्योर आंसर मालूम है किसी क्वेश्चन का तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। सो मेरा तो ये मानना है कि मेरा जो प्रैक्टिस होता है एग्जाम में जाने के बाद, कि मैं एग्जाम में जाता हूँ नॉर्मली, कुछ स्टडी वगैरह कुछ नहीं करता ज्यादा, मुझे तो क्योंकि मुझे कोई एडमिशन वगैरह लेना नहीं, तो मैं जाता हूँ और बैठता हूँ एग्जाम में। पहले 1.5 घंटे में क्या करता हूँ, जितने क्वेश्चन मुझे श्योर शॉट होते तो वो श्योर शॉट क्वेश्चन 1.5 घंटे में मैं कर लेता हूँ। मेरा एक टारगेट फिक्स रहता है कि यार पेपर इजी होगा तो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पेपर हार्ड होगा तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये मेरा टारगेट फिक्स है, इसके ज्यादा मैं अटेम्प्ट करता ही नहीं कभी। ठीक है, और इससे ज्यादा अगर मुझे टाइम भी होता है तो मैं छोड़ देता हूँ, मतलब अटेम्प्ट करता ही नहीं। ठीक है, तो जाओ एग्जाम में और उतना अटेम्प्ट करो। ठीक है, नॉट मोर देन 80। मुझे तो नॉर्मली ये लगता है कि 80 क्वेश्चन के आगे जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने स्टडी अच्छा किया है और आपको आपका रैंक आ सकता है अच्छा, और पेपर उस टाइम पे आप 90 या 100 MCQs तक जा सकते हैं। लेकिन इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑल MCQs, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। सो ऐसा नहीं है कि 125 में से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, लगता ही नहीं बॉस। अगर टॉपर कितने में आता है आप देख लो ना, यू थिंक व्हाट आर द मार्क्स ऑफ टॉपर। सो टॉपर यूजुअली गेट्स मार्क अराउंड 320-350। ओके, 350 marks और 320 marks, दैट्स द रेंज ऑफ टॉपर। ओके, मीन्स 80 questions, 80 correct questions विल मेक यू टॉपर, देन व्हाई देर इज नीड टू अटेंड 125 questions? नो नीड, जस्ट आइडेंटिफाई यूअर questions, जस्ट आइडेंटिफाई इजी questions एंड यूअर क्वेश्चन, टारगेट सम स्पेसिफिक questions, दैट्स ऑल। हर एक सेक्शन से आपको 3 लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे,
So they will ask you the questions of three level. Okay, so easy questions will be there from each subject. Medium question will be there from each subject. Then again, hard questions will be there. Okay, so easy questions, try to solve easy questions from chemistry and medicinal chemistry. Try to solve easy questions, medium questions, and few hard questions from pharmaceutics. Try to solve easy, medium, and hard questions from pharmacology. Try to solve easy and medium question from cognacy, and try to solve easy and medium question from other subject itself. Okay, so इसमें अगर आपका number of count 80 तक आ गया, that's okay यार, that's it's okay, that's fine. 80 questions आपने solve कर दिए, that is very good. ठीक है, 80 questions अगर आपने solve कर दिए, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, number of questions कितना solve किया वो matter नहीं करता, number of questions solve करने के बाद कितना accuracy है, ठीक है? अगर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सिर्फ 10 क्वेश्चन करेक्ट आता है, तो आपने पूरा 120 क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो आपका रैंक नहीं आने वाला। हाँ, अगर आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करेक्ट आता है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट, रिमेंबर। ठीक है, तो ये याद रखो आप ये पॉइंट्स, बिकॉज इससे ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता। और बाकी के जो भी यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, उनको बोलना है बोलने दो। आपको अगर उनको फॉलो करना है कर सकते हो, नथिंग इज बैड इन दैट। आपको वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। ये मैंने एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रख दिया है और इसके बाद में आपको डिसाइड करना है। लेकिन एक जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि ये मुझे 4-5 बार का एग्जाम का एक्सपीरियंस है। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, जस्ट डू नॉट ट्राई टू क्रॉस 80 क्वेश्चंस, बिकॉज 80 क्वेश्चंस करेक्ट आ गए आपके तो आप टॉपर बन सकते हो, तो उसके बाद में क्या करना है आपको, मत जाओ आगे। सो 80 क्वेश्चन के बीच में ही खेलो। ठीक है, और जिनको सिर्फ क्वालिफाई करना है उनको तो मैं बोलता हूँ सिर्फ 50-65 क्वेश्चन के अंदर ही खेलो। जिनको लगता है कि यार उन्होंने स्टडी किया है, अच्छा रैंक आएगा उनका, तो वो खेल सकते हैं अराउंड 70-80 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें भी जो जिसमें श्योर नहीं हो, आप जरा भी श्योर नहीं हो, उसको रिस्पांस को क्लियर करो। ठीक है, आपने 70 क्वेश्चन भी करेक्ट किए तो बहुत अच्छा रैंक आएगा आपको, बिलो 50। ठीक है, 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए। ठीक है, ये सब है। टॉप पर रैंक के लिए 190 एमसीक्यूज करना है आपको। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छा टॉप कर सकते हो एग्जाम में, तो यू कैन गो अप टू 100 क्वेश्चन, बट एज पर माई एक्सपीरियंस डोंट गो मोर देन 80। ठीक है, सो आई माइट बी नॉट एबल टू कम्युनिकेट अगेन विथ यू ड्यू टू टाइम रेस्ट्रिक्शन। मुझे भी दूसरे भी बहुत काम होते हैं, तो मे बी आप बाद में कोई मीटिंग ना ले सको, लेकिन मैं इतना फिक्स है कि मैं एटलीस्ट 1 ऑडियो आपको ग्रुप में भेजूंगा एग्जाम के पहले दिन। ठीक है, कि आपको अगेन वही रिवाइज करूंगा जो आज बोला है, वही रिवाइज करूंगा, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक फॉर्मेट पे फिक्स रहता हूँ, वो फॉर्मेट है मेरा उसी। और जिनके जिनके पास भी मेरा नोट्स है वो ट्राई टू रिवाइज देम, जो भी पेड ग्रुप में था उनके पास नोट्स है, ट्राई टू रिवाइज देम। जिन्होंने भी बुक ऑर्डर किया है, जितना भी बुक में है उतना रिवाइज करो, जितना भी ये बुक में क्रैकर अचीवर में है, जितने एमसीक्यूज है, जितना एक्सप्लेनेशन है उसका उसका रीड करो। क्रैकर अचीवर एमसीक्यूज तो आपको करना ही करना है। ठीक है, जिनके पास है उनको सब करना है, और जो भी फंडामेंटल्स ऑफ जीपेट में नोट्स दिए, मैंने क्वेश्चन दिए, ऑब्वियसली देर आर फ्यू मिस्टेक्स, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो वो जिन्होंने स्टडी किया है उनको समझ में आता है, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं तो उनको क्या समझ में आएगा। मिस्टेक वही ढूंढते हैं जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरा के पूरा फंडामेंटल्स ऑफ जीपेट रिवाइज करो जिनके पास है, जिनके पास नहीं है उनके पास नोट्स होंगे मेरे, क्योंकि ये सब फंडामेंटल्स ऑफ जीपेट ग्रुप के स्टूडेंट है या फिर बेसिक्स ऑफ जीपेट के स्टूडेंट है, आई नो। तो जिनके पास बुक नहीं है उनके पास नोट्स है मेरा, तो वो नोट्स पढ़ो जिन्होंने प्रिंट आउट कर लिया है उनको। ओके, अगर कुछ नोट्स नहीं है तो आप ग्रुप में मैसेज करो, आज के दिन मैं लास्ट टाइम नोट्स भेजूंगा, उसके बाद में नोट्स नहीं भेजूंगा, क्योंकि अगर अगर आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपका, देखो आप अभी 6-7 दिन बचे एग्जाम के लिए, और कुछ कुछ लड़के मुझे मैसेज करते सर नोट्स दे दो, आप क्या नोट्स दो यार, अभी तक जो दिया वो उसको भी आप पढ़ नहीं सके और आप बोल रहे हो सर नोट्स दे दो, तो इट्स ओके। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर चाहिए कुछ, जैसे आपका जो बाद में का नोट्स है, जैसे जो लास्ट स्टेज में दिया था मैंने, जैसे आपका एनालिसिस हो गया, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री का हो गया कुछ नोट्स,
उसके बाद कुछ रेगुलेटरी का पार्ट हो गया है, तो जैसे इम्पोर्टेंट लगता है मुझे तो वो अगेन मैं दे सकता हूँ, ठीक है, तो उसको चाहिए तो अगर वो मिल सकता है। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, अगर कोई किसी को कोई कुछ भी डाउट है तो वो डाउट्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।